सबसे पहले आपको यहाँ से अपने टीवी का सेटिंग खोलना है। यहाँ से स्टार्ट मेनू में से टीवी के सेटिंग में आ जाएंगे, तो यहाँ से हम आप सेलेक्ट करेंगे इंटरटेनमेंट। ये देखिए यहाँ से इंटरटेनमेंट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर सबसे नीचे दिया रहेगा डिबिक्स आर VOD, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगता है, लेकिन हमने इस पर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो ये किस तरह से किए हैं आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, डिबिक्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है www.vod.divx.com। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास सामने एक पेज आ जाएगा, उस पर लिखा होगा लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पर अकाउंट बना रहे हो इस डिबिक्स वेबसाइट पर। तो उसके लिए आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, दोनों कॉलम में सेम पासवर्ड चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिए गए चेक मार्क पर क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा, जो कि वो आपका मेल हो इनबॉक्स में ना आकर स्पैम में आएगा, जो कि आपको यहाँ से जाके उसे ढूंढ लेना है। तो ढूंढने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वेरिफिकेशन लिंक पर, तो आपका जो ईमेल आईडी है वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। जब आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो करने के बाद आपको रजिस्टर न्यू डिवाइस पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर न्यू डिवाइस पर हम क्लिक कर देंगे, और जो हमें हमारे टीवी और डिवाइस का जो इन रजिस्ट्रेशन कोड है यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद अपने डिवाइस जो टीवी का नेम है यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद एक डाउनलोड का पेज आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड होने लगेगा। तो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इस फाइल को कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में डाल देना है। पेन ड्राइव में डालने के बाद अपना जो पेन ड्राइव है वो कंप्यूटर से अनप्लग करके अपने LED टीवी में लगा देना है। जब आप LED टीवी में लगा दोगे तो उसके बाद अपने LED टीवी के स्टार्ट मेनू सेटिंग में जाकर आपको इंटरटेनमेंट पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा तीसरे नंबर पर LG टीवी में, बाकी सब में अलग अलग इसका लिस्ट दिया रहेगा। तो इस पर मूवी लिस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इसे सेलेक्ट करोगे मूवी लिस्ट, तो यहाँ से शो हो जाएगा जो कुछ आपके पेन ड्राइव में है सारा यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद हमने जो फाइल डाउनलोड की है 24LS4H4L, तो इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम प्ले कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे प्ले कर देंगे ये अपने आप ऑटोमेटिक ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा डिबिक्स प्लेयर। ये देखिए अभी इसमें जो है डिबिक्स प्लेयर अपने आप एक्टिवेट हो गया। अब हमारे जो LED टीवी में है हम आसानी से HD वीडियोस और फ्लैश फाइल वगैरह इसमें आसानी से देख पाएंगे। जो कुछ इसमें दिक्कत होगी, जो कुछ इशू होगा वो सब दूर है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.